भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के इस साल के होली गीत ने हर साल की तरह धमाल मचाया है। यही नहीं, इस बार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी ये गाना काफी सुना गया। होली के अश्लील एल्बम की भीड़ से अलग निरहुआ का होली एल्बम ना सिर्फ साफ सुथरे ढंग से फिल्माया गया है बल्कि गाने के माध्यम से उन्होंने दहेज प्रथा पर भी जबरदस्त प्रहार किया है। YouTube पर अभी तक इस गाने को लगभग 2 करोड़ लोगों ने देखा है, जिसमें विदेशी दर्शकों की भी तादाद है। निरहुआ के Facebook फैन पेज पर अमेरिका में रह रहे भोजपुरी संगीत प्रेमी प्रवीण वर्मा ने लिखा है कि वो पिछले 5 साल से अमेरिका में हैं, लेकिन इस होली पहली बार वहां के रेडियो 8 के रेडियो ने होली में GST जोड़ के गाने को चलाया। यही नहीं, RJ कलराज ने गाने के पहले गाने और निरहुआ की काफी तारीफ भी की है। आपको बता दें कि निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा निर्मित इस साफ सुथरे गाने के वीडियो को निर्देशित किया है खुद निरहुआ ने, जबकि गाने को कोरियोग्राफ किया है पप्पू खन्ना ने। वीडियो की शुरुआत भोजपुरी के 2 बड़े कलाकार मनोज सिंह टाइगर और एंटी हीरो संजय पांडे के वार्तालाप से शुरू होती है, जिसमें शादी के एवज में 10 लाख दहेज GST जोड़ के मांगा जा रहा है। दहेज की मांग कन्या आम्रपाली दुबे के पिताजी यानी सुशील सिंह ने की है। गाने के बोल में आम्रपाली दुबे इसकी जानकारी निरहुआ को देती है, फिर गीत के माध्यम से ही दहेज प्रथा की बुराइयों को सामने लाया जाता है। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।